स्टार्ट करते हैं चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन से, विच इज़ चैप्टर थर्ड ऑफ ट्वेल्थ बायोलॉजी। एज यू आर अवेयर, ह्यूमन्स आर सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस, मतलब वो सेक्शुअली रिप्रोड्यूस करते हैं जो ह्यूमन्स होते हैं, एंड विविपेरस मतलब वो अंडे नहीं देते हैं, वो न्यू वर्न्स को सीधे बॉर्न करते हैं, ठीक है। द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। अब क्या क्या इवेंट्स होते हैं ह्यूमन के अंदर, मतलब रिप्रोडक्शन के जो होता है, दैट इज़ आपका है गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, ठीक है। कौन कौन से गैमेट फॉर्म होते हैं? स्पर्म फॉर्म होता है मेल्स में, एंड ओवम फॉर्म होता है फीमेल्स में, ठीक है। तो दैट इज़ योर गैमेटोजेनेसिस। ये सारे रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हैं जो ह्यूमन के अंदर होते हैं। दूसरा है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, दैट इज इंसेमिनेशन, यानी कि जो स्पर्म है वो फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में जाता है, उसको बोलते हैं इंसेमिनेशन, ठीक है। एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, जब मेल और फीमेल गैमेट्स जो है, मतलब स्पर्म और ओवम का जब फ्यूजन होता है, दैट इज फर्टिलाइजेशन, जिसकी वजह से क्या फॉर्म होता है? जायगोट फॉर्म होता है। दिस इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसाइट। उसके बाद क्या होता है, जब जायगोट फॉर्म हो गया, आपका फॉर्मेशन और डेवलपमेंट स्टार्ट होता है ब्लास्टोसिस्ट का, एंड इट्स, ये अभी इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर में आगे, एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूट्राइन वॉल, क्योंकि जब जायगोट फॉर्म होता है या फिर जब भी इम्प्लांटेशन होता है, तो वो कहाँ पे होता है? वो यूट्राइन वॉल में होता है, यानी यूट्रस की वॉल में होता है इम्प्लांटेशन, ठीक है। एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट जब होती है, जब बेबी यानी एम्ब्रियो जो है, जो बेसिकली बेबी बनने वाला होता है, तो उसको बोलते हैं गेस्टेशन, या फिर उस पूरे पीरियड को बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड, और जब डिलीवरी होती है बेबी की, दैट इज़ पार्चुरेशन। ये जितने भी चीज़ें हैं इनको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, लेकिन आगे, ठीक है। यू हैव लर्न दैट दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट्स अकर आफ्टर प्यूबर्टी। हमने ये सब पढ़ा है कि जो भी चीज़ें हैं ये रिप्रोडक्टिव इवेंट्स कब होते हैं? प्यूबर्टी के बाद। देयर आर रिमार्केबल डिफरेंसेज बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन द मेल एंड इन द फीमेल। फॉर एग्जाम्पल, स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूज इवन इन ओल्ड मैन, बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीजेज इन वुमेन अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर्स। इसका ये मतलब है कि ये जो रिप्रोडक्टिव इवेंट होते हैं, ठीक है, काफ़ी चेंज होता है मेल और फीमेल में, मतलब डिफरेंस है। जैसे कि जो स्पर्म फॉर्मेशन है वो मेल के अंदर, मतलब ओल्ड मैन होते हैं, एज में, काफ़ी एज में भी कंटिन्यू रहता है, लेकिन जो ये ओवम का फॉर्मेशन है ना, ये वुमेन में रुक जाता है, किसके बाद? आपकी 50 ईयर की एज के बाद, ठीक है। लेट अस एग्जामिन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। अब हमें पढ़ना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पैल्विस रीजन। यहाँ पे राइट पेज पे 3.1A पे डायग्राम दिखाया गया, आप उसको देखते रहिएगा साइड बाय साइड। इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस अलॉन्ग विद एसेसरी डक्ट्स, ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो क्या क्या चीज़ें हैं? टेस्टिस हैं, एसेसरी डक्ट्स हैं, ग्लैंड्स हैं, एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, ठीक है। उसका डायग्राम बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है यहाँ पे, और कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके फंक्शन या उनको एक्सप्लेन किया गया है। The testes are situated outside the abdominal cavity within a pouch called scrotum, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है जो testes होते हैं, जहाँ पे basically sperm formation होता है, वो body के बाहर situated है scrotum में, ठीक है। ये first line है। The scrotum helps in maintaining the low temperature of the testes, that is 2 to 2.5 degree lower than the normal internal body temperature. उसने क्या बोला कि ये जो स्क्रॉटम है ना, ये बॉडी का लो टेम्परेचर मेंटेन करने में जरूरत हेल्प करता है। देखो, बॉडी के अंदर हीट ज़्यादा होती है, ठीक है, तो वहाँ पे स्पर्म फॉर्मेशन अच्छे से नहीं हो सकता, इसीलिए वो बाहर लोकेटेड है, ताकि थोड़ा सा टेम्परेचर कम रहे, और स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ज़रूरी है। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए ये थोड़ा कम टेम्परेचर ज़रूरी है जो बॉडी के बाहर मिलता है, ठीक है। इन एडल्ट्स ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप। अगर हम एडल्ट्स की बात करें तो टेस्टिस ओवल होती है शेप में, लेंथ होती है 4 to 5 centimeter और विड्थ होती है 2 to 3 centimeter। टेस्टिस इज कवर्ड बाय अ डेंस कवरिंग, ठीक है, एक डेंस कवरिंग होती है टेस्टिस के ऊपर, थोड़ी मोटी कवरिंग होती है। ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है। हर टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिनको बोला गया है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, ये आपको थोड़ा डिटेल में पढ़नी है, इनको याद रखना है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आप लोग पढ़ रहे हैं कि एक्चुअली क्या क्या चीज़ें हैं विद नाम, विद साइंटिफिक नेम, ठीक है।
तो इनको आपको जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, स्क्रॉटम है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, आगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, इनको थोड़ा डिटेल में आपको पढ़ के रखना है. नाउ ईच लोब्यूल कंटेन, अब हमने ये तो पढ़ लिया कि टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं कितने, 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनको बोला गया टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. अब हर एक लोब्यूल में 1, 2, 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है जिसमें स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं. ये इस तरह से याद करना है कि हमें पता चला कि 250 कंपार्टमेंट्स हैं जिनको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. अब हर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 से लेकर 3 हाइली कॉइल क्या होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं जिसमें स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं. ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज लाइन ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप ऑफ सेल कॉल्ड मेल जर्म सेल एंड सर्टोली सेल्स. उसने क्या बोला कि हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल किससे लाइन होता है, 2 तरह के सेल से लाइन होता है. ठीक है, मतलब अंदर से 2 तरह के सेल्स होते हैं. पहला बोला है मेल जर्म सेल, दैट इज स्पर्मेटोगोनिया, एंड दूसरा बोला है सर्टोली सेल. ठीक है, मेल जर्म सेल क्या करता है, वो मियोटिक डिवीजन उसके साथ होता है एंड फाइनली दैट लीड्स टू स्पर्म फॉर्मेशन. ये नाम से पता चल गया, मेल जर्म सेल है, स्पर्मेटोगोनिया बोला है, उसके अंदर मियोटिक डिवीजन होता है एंड फाइनली उसकी वजह से क्या होता है, स्पर्म फॉर्मेशन होता है. लेकिन जो ये सर्टोली सेल होता है ये क्या करता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. मतलब ये मेल जर्म सेल को, स्पर्मेटोगोनिया को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. तो कई बार इसका फंक्शन पूछ लिया जाता है कि सर्टोली सेल का या फिर आगे आएगा लेडिक सेल का फंक्शन क्या होता है. ठीक है, उसके बाद है द रीजन आउटसाइड द सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल कॉल्ड इंटरस्टीशियल स्पेसेस कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड इंटरस्टीशियल सेल और लेडिक सेल. जो सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल के बाहर का एरिया होता है उसको बोला है इंटरस्टीशियल स्पेसेस. ठीक है, अब इसके अंदर क्या होते हैं, स्मॉल ब्लड वेसल्स, थोड़ी थोड़ी ब्लड वेसल्स होती हैं, इंटरस्टीशियल सेल्स होते हैं एंड लेडिंग सेल होते हैं. इसने ये भी नेक्स्ट पेज पे दिखाया गया है, मैं अभी टर्न नहीं कर रही हूँ, पेज फिगर 3.2 पे इसमें देखना है. नाउ अब लेडिक सेल का फंक्शन लिखा हुआ है, लेडिक सेल सिंथेसाइज एंड सीक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल एंड्रोजन. जो टेस्टिकुलर हार्मोन होता है मेल्स के अंदर वो सीक्रेट करते हैं लेडिक सेल जिनको बोला है एंड्रोजन. तो ये क्या है, ये आपका फंक्शन है लेडिक सेल का. ठीक है, अदर इम्यूनोलॉजिकली कम्पिटेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट. कुछ आपके जो सेल्स होते हैं इम्यूनोलॉजिकली कम्पिटेंट वो भी प्रेजेंट होते हैं. तो जब आपसे लेडिक सेल का फंक्शन पूछा जाएगा तो आप इसको ये पैराग्राफ लिखोगे, और अगर आपसे पूछा जाएगा सर्टोली सेल का तो वो क्या करता है, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है मेल जर्म सेल को. ठीक है, और इसमें अभी तक स्क्रॉटम, आपका टेस्टिकुलर लोब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, मेल जर्म सेल, सर्टोली सेल, लेडिक सेल, ये थोड़ी चीजें थी जो इंपॉर्टेंट थी. ठीक है, साइड में डायग्राम दे रखे हैं, डायग्राम में रिप्रेजेंट किया हुआ है अलग अलग चीजें को जो नीचे आएंगी, जिसमें वास डिफरेंसेस है, एपिडाइडमिस है, वासा फ्रंटिया, रेटेटेस्टिस है, इस सबको आगे बताया गया है जिसपे मैं अभी आ रही हूँ. द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट इंक्लूड, अब जो इनमें एसेसरी डक्ट्स में क्या क्या चीजें हैं, रेटेटेस्टिस, वासा फ्रंटिया, एपिडाइडमिस, वास डिफरेंसेस. ठीक है, द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द वासा फ्रंटिया थ्रू रेटेटेस्टिस. अब उसने क्या बोला कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है ना वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द, कहाँ पे होता है, वासा फ्रंटिया में ओपन होता है रेटेटेस्टिस के थ्रू. ठीक है, उसने यही बोला. अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वासा फ्रंटिया, उसके पहले है रेटेटेस्टिस और बाद पहले उसके बाद लिखा हुआ है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. तो ये बता रहा है कि किस तरह से ये लिंक्ड है. ठीक है, तो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का जो टेस्टिस हैं वो कहाँ पे ओपन होते हैं, वासा फ्रंटिया में, किसके थ्रू, रेटेटेस्टिस के थ्रू. ठीक है, जो वासा फ्रंटिया है वो टेस्टिस को लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडाइडमिस लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ ईच टेस्टिस. अब उसने क्या बोला, ये जो वासा फ्रंटिया है ये वाला, ये टेस्टिस को छोड़ के ओपन होता है कहाँ पे, एपिडाइडमिस में ओपन होता है, जो कहाँ पे है, बाहर की साइड में लोकेटेड है, पोस्टीरियर सर्फेस पे. देखिए दो चीज़ें मोस्टली होती है, एंटीरियर थोड़ा सा अंदर की साइड एंड पोस्टीरियर थोड़ा सा बाहर की साइड. ठीक है, अभी ऊपर से मैं पूरा डिफ्रेंशिएट नहीं कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ. द एपिडाइडमिस लीड टू वास डिफरेंसेस, जो एपिडाइडमिस है दैट लीड्स टू वास डिफरेंसेस दैट असेंड टू द एबडोमन एंड लीप लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर. उसके बाद वो क्या करता है, यूरिनरी ब्लैडर तक जाता है. नाउ इट रिसीव अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड ओपल इनटू यूरेथ्रा एज द इजैकुलेटरी डक्ट. अब ये क्या करता है, ये एक डक्ट रिसीव करता है सेमिनल वेसिकल से, जो सेमिनल वेसिकल दिया गया है उससे ये एक डक्ट रिसीव करता है और यूरेथ्रा में ओपन होता है एज द इजैकुलेटरी डक्ट. ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बहुत दिखाया गया, इधर भी दिखाया गया, इधर भी दिखाया गया, इजैकुलेटरी डक्ट, सॉरी वो मिस हो गया, हाँ इजैकुलेटरी डक्ट यहाँ पे दिखाया गया है, ये आपका इजैकुलेटरी डक्ट है. इसको अगर आप डायग्राम के साथ समझने की कोशिश करें
करेंगे तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। ये और ये, इन दोनों का जब ये लास्ट पैराग्राफ है, इनको डायग्राम के साथ स्टडी करने की कोशिश की, तो इसमें मोस्टली चीज़ें लर्न करने की हैं, ठीक है। इट रिसीव अ ड्रग फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड ओपन इन टू यूरेथ्रा एज इजैक्यूलेटरी डक्ट। दीज डक्ट स्टोर, अब ये जो डक्ट क्या करते हैं, ये डक्ट स्टोर करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं स्पर्म को कहाँ से, टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा। मतलब ये जो आपके डक्ट्स हैं ये स्टोर करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं स्पर्म्स को कहाँ से, टेस्टिस से थ्रू द यूरेथ्रा, ठीक है। द यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, जो यूरेथ्रा है कहाँ से ओरिजिनेट होता है, यूरिनरी ब्लैडर से, ठीक है। यहाँ पे भी लिखो, अगर आप डायग्राम देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या लिखा है। यूरेथ्रा ये जो है ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। उसके बाद है एंड एक्सटेंड थ्रू द पीनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल यूरेथ्रल मीटर्स, और उसके बाद वो बाहर तक आता है, एक्सटेंड होता है थ्रू द पीनिस टू द एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल यूरेथ्रल मीटर्स। यहाँ पे उन्होंने बताया है ये जो पोर्शन है ये वाला, इसमें आता है आपका यूरेथ्रल मीटर्स, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपको ये चीज़ समझनी है और अच्छे से, तो आप डायग्राम के साथ इसको समझने की कोशिश कीजिए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा, और साथ में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं छोटे छोटे वो भी पढ़ने हैं। पीनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। इसमें लिखा है जो पीनिस है वो मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, फिगर 3.1 ए और बी में पीछे दिखाया गया है। ये किससे बना होता है, स्पेशल टिश्यूज से बना होता है जो हेल्प करते हैं इरेक्शन में पेनिस के और इंसेमिनेशन में, ठीक है। इंसेमिनेशन हमने फर्स्ट पेज पे देखा था कि ताकि जो मेल आपके गैमेट है वो फीमेल में ट्रांसफर हो सके, उसमें हेल्प करता है। द एनलार्ज एंड ऑफ पेनिस कॉल्ड द ग्लैंड पेनिस इज कवर्ड बाय अ लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड फोर स्किन, ठीक है। जो बाहर का पोर्शन एनलार्ज पोर्शन होता है उसको बोला गया है यहाँ पे फोरस्किन, ठीक है। मेल एसेसरी ग्लैंड्स इंक्लूड पेयर्ड सेमिनल वेसिकल्स, अब बता रहे हैं कि जो मेल एसेसरी ग्लैंड्स हैं उसके अंदर क्या क्या है, सेमिनल वेसिकल, अ प्रोस्टेट, अ पेयर्ड बल्ब्यूथरल ग्लैंड्स, और ये क्या होता है, जो ये इन ग्लैंड्स की सिक्रीशन होती है या फिर इन चीज़ों की सिक्रीशन होती है, कॉन्स्टिट्यूएंट द सेमिनल प्लाज्मा, उसके अंदर सेमिनल प्लाज्मा होता है जो काफ़ी रिच होता है फ्रुक्टोज में, कैल्शियम में एंड सर्टेन एंजाइम्स में, ठीक है। उसमें फ्रुक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम्स होते हैं, और ये जो सिक्रेशन है बल्ब्यूथरल ग्लैंड का वो किस में हेल्प करता है, वो ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करता है पेनिस के। तो बेसिकली ये जो चीज़ें हैं ये दो तीन, अब इसका भी फंक्शन आ सकता है कि ये जो ग्लैंड्स हैं ये क्या फंक्शन करते हैं। एक तो पहली चीज़ ये बतानी है कि ये जो ग्लैंड्स हैं इनके अंदर फ्रुक्टोज, कैल्शियम वगैरह काफ़ी होता है, और दूसरा कि ये पेनिस के ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है। ऊपर डायग्राम दिया गया है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, दैट इज सेक्शनल व्यू ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। कई बार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट पूछा जा सकता है, तो इसका आइडिया होना चाहिए। इट्स वेरी इजी, यहाँ पे दिखाया गया है स्पर्मेटोगोनिया, यहाँ पे दिखाया गया है स्पर्मेटोजोआ, और बीच में दिखाया गया इंटरस्टिशियल सेल, और यहाँ पे दिखाया गया है सर्टोली सेल। इस बुक के अकॉर्डिंग तो थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल है, बट इसको समझना और इसको एक बार बना के प्रैक्टिस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर एग्जाम में आए तो, या उससे ऑब्वियसली उससे पहले ही आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो इसको भी आप बना के देख लीजिएगा। अब मूव करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ओवरीज अलॉन्ग विद अ पेयर ऑफ ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन, फिगर 3.3 ए, ठीक है। उसने क्या बोला कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें ओवरीज होती हैं, ओविडक्ट होते हैं, यूट्रस होता है, सर्विक्स होता है, वेजाइना होता है एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है जो बाहर पेल्विक रीजन की तरफ लोकेटेड है, ठीक है। दीज पार्ट ऑफ द सिस्टम अलॉन्ग विद अ पेयर ऑफ द मेमरी ग्लैंड आर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर। उसने क्या बोला कि ये जितने भी पार्ट्स हैं सिस्टम के, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, किसके साथ मिलके, मेमोरी ग्लैंड के साथ, अगर ये इस तरह से इंटीग्रेटेड हैं, इस तरह से मिले हुए हैं, इस तरह से फंक्शन करते हैं कि वो सपोर्ट कर सके किन फंक्शंस को या किन प्रोसेसेस को, ओव्यूलेशन को जब आपका ओवम फॉर्मेशन होता है, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी एंड बर्थ एंड चाइल्ड केयर। तो ये पहले से लेके बाद तक जो बेबी बॉर्न होने से पहले और प्रोसेसेस होते हैं इन सब में ये अकॉर्डिंगली हेल्प करते हैं, ठीक है। ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट। ओवरीज क्या होती हैं, वो प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है जो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करती हैं, दैट इज ओवम एंड सेवरल स्टेरॉइड्स हार्मोन दैट इज ओवेरियन हार्मोन। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर प्रोड्यूस होती है उसको मेंटेन करने के लिए या उसके फॉर्मेशन के लिए हार्मोन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हार्मोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सॉरी, या तो उसने यही बोला कि ये जो भी हैं इसमें कई स्टेरॉइड्स हार्मोन्स निकलते हैं और ये किस में हेल्प करते हैं, ओवम फॉर्मेशन में, ठीक है। ओवरीज कहाँ पे लोकेटेड है,
ऑन वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमन. मतलब अगर आप ये वाला डायग्राम देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये है ओवरीज, ठीक है, सॉरी ये वाली. तो इसने यही बोला है कि एब्डोमन के दोनों एक एक साइड पे ओवरीज लोकेटेड हैं. उसके बाद है, ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 centimeter इन लेंथ एंड इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट्स. अब ये जो ओवरीज हैं ये 2 to 4 centimeter होती हैं लेंथ में, और ये किससे कनेक्टेड है, पेल्विक वॉल से. अच्छा, अगर डायग्राम देखें तो आपको ऑब्वियसली पता चलेगा कि थोड़ा बाहर के साइड दिखाया हुआ है. तो ये जो बीच में सब है ये सब क्या है, लिगामेंट है. ये ऐसी मतलब डिटैच तो होती नहीं है, अटैच ही होती हैं. तो वही चीज़ लिखी हुई है कि ये अगर यूट्रस से या बाकी चीज़ों से अटैच है तो इट इज़ अटैच थ्रू लिगामेंट्स वगैरह, ठीक है. ईच ओवरी इज कवर्डेड बाय अ थिन एपिथीलियम. हर ओवरी एक थिन एपिथीलियम से कवर्डेड है विच एनक्लोजेज द ओवेरियन स्ट्रोमा. और उसके अंदर क्या आता है, ओवेरियन स्ट्रोमा आता है. द स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इंटू टू जोन, अ पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड एन इनर मेडियोला. वो ये चीज़ कह रहे हैं कि हर ओवरी में मतलब एक तो थिन एपिथीलियम से कवर्ड है और उसके अंदर आता है ओवेरियन स्ट्रोमा. अब स्ट्रोमा को डिवाइड किया है टू जोन्स में, वन इज योर पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड सेकेंड इज योर इनर मेडियोला, ठीक है. तो अभी तक हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट मतलब पार्ट्स पढ़े जो ऊपर थे. ये भी बताया गया है कि जो मेमरी ग्लैंड्स वगैरह हैं ये सब मिलके बाद में पूरे प्रोसेस में हेल्प करते हैं, और थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन दिया गया है ओवरी के बारे में. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पेज, द ओविडक्ट्स दैट इज फैलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस एंड वेजाइना कॉन्स्टिट्यूट द फीमेल एसेसरी डक्ट्स. अगर फीमेल एसेसरी डक्ट्स की बात करें तो उसमें है ओविडक्ट, यूट्रस एंड वेजाइना. ओविडक्ट मतलब फैलोपियन ट्यूब. ईच फैलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 centimeter लॉन्ग एंड एक्सटेंड फ्रॉम द पेरीफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस, ठीक है. जो एक क्या कहते हैं फैलोपियन ट्यूब होती है वो 10 to 12 centimeter लॉन्ग होती है, और वो कहाँ से एक्सटेंड होती है, ओवरी की पेरीफेरी से यूट्रस तक. अगर आप नीचे वाले डायग्राम को देखें तो आपको समझ में आएगा कि फैलोपियन ट्यूब ये है, ठीक है. इसमें बताया गया है कि इसमें अब इसके अलग अलग पार्ट होते हैं, वो अभी हम पढ़ते हैं. इनफंडिबुलम यहाँ दिखाया हुआ है, एम्पियोला ये दिखाया हुआ है, और इस्थमस ये दिखाया हुआ है, ठीक है. अब इसमें यही बोला है कि हर फेलोपियन ट्यूब 10 to 12 centimeter लॉन्ग होती है, ठीक है. दूसरा क्या है, अ पार्ट क्लोजर टू द ओवरी. जो थोड़ा इसको मैं नीचे कर लेती हूँ ताकि आप डायग्राम भी दिख पाएं. जो पार्ट क्लोजर है ओवरी के मतलब पास है ओवरी से, दैट इज योर क्या बोला हुआ है, फनल शेप्ड. जैसे फनल की शेप होती है, फनल शेप्ड इनफंडिबुलम. द एजेस ऑफ द इनफंडिबुलम पोजेसेस फिगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड फिम्ब्रिया. अब ये जो कोने हैं इनफंडिबुलम के उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं. अगर आप ये देखेंगे इसको क्या बोला गया है, इसको बोला गया है फिम्ब्रिया, विच हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन. तो जब ओव्यूलेशन हो जाता है मतलब ओवम रिलीज होता है, तो उसके बाद ये क्या करता है, ये ओवम को कलेक्ट करता है, ठीक है. कौन सा, फिम्ब्रिया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है. द इनफंडिबुलम लीड्स टू अ वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड एम्पियोला, ठीक है. तो जो इनफंडिबुलम है उसके बाद एक वाइडर पार्ट आता है ओविडक्ट का, दैट इज एम्पियोला. लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट दैट इज इस्थमस हैज़ अ नैरो ल्यूमन एंड इट्स जॉइंट टू द यूट्रस. तो जो हमारी फैलोपियन ट्यूब है उसका जो लास्ट पार्ट है दैट इज इस्थमस, और वो कहाँ पे ज्वाइन होता है, यूट्रस में जाके. तो तीन चार चीज़ें जो पढ़ी हमने फैलोपियन ट्यूब में थी, एक थी फिम्ब्रिया, ठीक है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जहाँ से कलेक्शन में हेल्प मिलता है. दूसरा है इनफंडिबुलम, ठीक है, इनफंडिबुलम का ही पार्ट है फिम्ब्रिया. उसके बाद आता है एम्पियोला, फिर आता है इस्थमस, ठीक है, और वो फाइनली ज्वाइन हो जाता है यूट्रस से. द यूट्रस इज अ सिंगल एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड वूम, ठीक है. द शेप ऑफ द यूट्रस इज लाइक एन इन्वर्टेड पियर. वूम उसको हम बोलते हैं, ठीक है, और उसकी शेप होती है इन्वर्टेड पियर जैसी. ये सपोर्टेड, इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट अटैच टू द पेल्विक वॉल. लिगामेंट से सपोर्ट होता है यूट्रस और ये आपका सब चीज़ें यूट्रस वगैरह. द यूट्रस ओपन इन टू द विजाइना थ्रू अ नैरो सर्विक. अब जो यूट्रस है वो ओपन होता है कहाँ पे, विजाइना में जाके थ्रू अ नैरो सर्विक, ठीक है. द कैविटी ऑफ द सर्विक इज कॉल्ड सर्विकल कैनाल. अब जो कैविटी होती है सर्विक्स की उसको बोला है सर्विकल कैनाल. यहाँ दिखाया हुआ है दैट इज सर्विकल कैनाल. जो कैविटी है ये सर्विक है, विजाइना दिखाया हुआ है, और बाकी सारे पार्ट्स दे रखे हैं कि क्या क्या होता है. अभी लेयर्स अगर हमें बाद में पढ़नी है तो उन पर बाद में आऊँगी. तो इसने यही बोला है कि जो यूट्रस है दैट इज कनेक्टेड थ्रू सर्विकल कैनाल, विच अलॉन्ग विद विजाइना फॉर्म्स द बर्थ केनाल. तो जब सर्विकल केनाल और अगर विजाइना को इकट्ठा बोलें तो वो बर्थ केनाल होती है. बर्थ केनाल क्यों, क्योंकि जब बेबी प्रोड्यूस होता है, फॉर्म होता है, तो वो इसी के थ्रू बाहर आता है, ठीक है. द
द वॉल ऑफ द यूट्रस हैज़ थ्री लेयर्स ऑफ टिश्यू, जो यूट्रस की वॉल है उसकी तीन लेयर्स हैं, ठीक है। नाम से हम इसको लर्न करेंगे, एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन है, दैट इज पेरीमेटियम, मेट्रियम सॉरी, मिडल थिक लेयर, नाम देखो मिडल मतलब बीच की, तो दैट इज मायोमेट्रियम, और हम बात करते हैं सबसे इनर ग्लैंडुलर लेयर, दैट इज एंडो। हमें पता ही है कभी हम पढ़ते हैं एक्स्ट्रा एंडो, तो इट्स लाइक एंडो इज फॉर जो अंदर की साइड है, तो इनर ग्लैंडुलर लेयर इज एंडोमेट्रियम, जो बीच की है मिडल वाली एम से याद करते हैं दैट इज मायोमेट्रियम, एंड देन पेरीमेट्रियम जिसमें पेरीमेट्रियम इज बाहर वाली, ठीक है। द एंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, पीरियड्स होते हैं लड़कियों को, तो ये जो एंडोमेट्रियम होती है इसमें कई साइक्लिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है। वाइल द मायोमेट्रियम एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी, लेकिन जब बेबी की डिलीवरी होती है तो मायोमेट्रियम जो मिडल लेयर है उसमें काफ़ी ज़्यादा कंट्रैक्शन होता है। कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन इज लाइक कि बहुत किसी चीज़ को लाइक बहुत कंट्रैक्ट होना, उसको दबना और फिर उसको रिलीज होना, तो ठीक है कंट्रैक्शन उसी का पार्ट है। तो यही बोल रहा है कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो एंडोमेट्रियम में चेंजेस आते हैं सबसे अंदर वाली लेयर में, लेकिन जब बेबी बाहर निकलता है या फिर बेबी प्रोड्यूस होता है तो मायोमेट्रियम में चेंजेस आते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पैराग्राफ, द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटीलिया इंक्लूड, जो फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटीलिया उसमें है मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लाइटोरिस, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं जो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटीलिया का पार्ट है। मॉन्स प्यूबिस इज अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर, जो मॉन्स प्यूबिस होता है उसमें फैटी टिश्यू है और वो किससे कवर्ड है, स्किन से एंड प्यूबिक हेयर से, ठीक है। लेबिया मेजोरा आर फ्लेशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस बेसिन सराउंडेड द वेजाइनल ओपनिंग। लेबिया मेजोरा क्या है, वो भी फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यूज है जो मॉन्स प्यूबिस से होता है और सराउंड करता है वेजाइनल ओपनिंग को। लेबिया माइनोरा आर पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर द लेबिया मेजोरा, ये बेसिकली आपको नाम याद रखने हैं। द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्शली बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमेन, जो ओपनिंग होती है वेजाइना की वो एक पार्शली फुल तरह से कवर नहीं होती, पार्शली कवर्ड मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते हैं हाइमेन। और क्लाइटोरिस एक टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो अपर जंक्शन में होता है ऑफ द किसके, लेबिया माइनोरा के, अबव द यूरेथल ओपनिंग, ठीक है। तो ये पांचों चीज़ों के नाम आपको याद करने हैं, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लाइटोरिस। उसके बाद एक पैराग्राफ में दिया गया है कि जो हाइमेन है ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस, जो फर्स्ट इंटरकोर्स होता है तो हाइमेन नॉर्मली मतलब टॉर्न हो जाती है, फट जाती है, लेकिन इसमें यह भी लिखा है कि ये और रीजन से भी हो सकती है नेक्स्ट पैराग्राफ में। तो अगर क्या कहते हैं सिर्फ हाइमेन ब्रेक है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो वर्जिन नहीं है, तो उसके कई और रीज़न भी हो सकते हैं, दैट इज़ बेसिकली आगे के पैराग्राफ में बताया गया है। जब हम नेक्स्ट पैराग्राफ में मूव करते हैं तो उसके बाद डायग्राम दिया गया है मेमरी ग्लैंड के सेक्शनल व्यू का, ठीक है, उसको समझाया गया है नेक्स्ट पैराग्राफ में। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे बनाई गई हैं, मेमरी लोब, मेमरी एल्वियोलस, मेमरी डक्ट, एम्प्योला, लैक्टिफेरस डक्ट, निप्पल, एरियोला, फैट, रिब, ये सब चीज़ें, ये पार्ट दिया गया है और इसका ये सेक्शनल व्यू है, ठीक है। अब हम पैराग्राफ की तरफ मूव करते हैं। फंक्शनल मेमरी ग्लैंड इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल मैमल, ठीक है, अगर मेमरी ग्लैंड है, फंक्शनल मेमरी ग्लैंड है, तो वो हर फीमेल मैमल का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। ये हमने पढ़ा भी था कि जब चाइल्ड होता है या बेबी बॉर्न होता है उसके बाद इनकी ज़रूरत पड़ती है चाइल्ड केयर में, चाइल्ड डेवलपमेंट में, ठीक है। जो मेमोरी ग्लैंड है वो पेयर स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको ब्रेस्ट बोलते हैं, दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, उसके अंदर ग्लैंडुलर टिश्यूज़ होते हैं और क्या कहते हैं कई अमाउंट में फैट होता है, ठीक है। जो ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं ऑफ ईच ब्रेस्ट, मतलब हर ब्रेस्ट के जो ग्लैंडुलर टिश्यू हैं वो डिवाइडेड हैं किसमें, 15 से 20 मेमोरी लोब्स में कंटेनिंग क्लस्टर्स ऑफ सेल कॉल एल्वियोलाई। तो जो ग्लैंडुलर टिश्यू के मतलब वो डिवाइडेड है मेमोरी लोब्स में और उसके अंदर कई सेल्स हैं जिनको बोला गया है एल्वियोलाई। अगर आप डायग्राम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, मेमोरी लोब को डिवाइड किया गया बाद में किसमें, मेमोरी एल्वियोलस में, ठीक है, बाद में इसको बोला गया एल्वियोलाई वगैरह। तो ये किसमें डिवाइडेड है, ये ब्रेस्ट का हर ग्लैंडुलर टिश्यू मेमोरी लोब और एल्वियोलाई वगैरह में डिवाइडेड है। द सेल्स ऑफ द एल्वियोलाई सीक्रेट मिल्क विच इज स्टोर्ड इन द कैविटीज ऑफ एल्वियोलाई, जो सेल्स हैं एल्वियोलाई के, ठीक है, वो क्या करते हैं मिल्क सीक्रेट करते हैं। मेमोरी ग्लैंड इज फॉर द मतलब उसके प्रोडक्शन में हेल्प करता है मिल्क के प्रोडक्शन में, तो एल्वियोलाई मिल्क सीक्रेट करते हैं जो स्टोर्ड होते हैं किसमें, ल्यूमेंस में, जो एल्वियोलाई की कैविटी होती है, खाली जगह होती है, वहाँ पर वो मिल्क स्टोर होता है और वहाँ से वो प्रोड्यूस होता है। द एल्वियोलाई ओपन इन टू मेमोरी ट्यूब्यूल्स, जो एल्वियोलाई है वो किसमें ओपन होता है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच जो लोब जॉइन टू फॉर्म अ मेमोरी डक्ट, और जितने भी ट्यूब्यूल्स हैं वो सब क्या फॉर्म करते हैं, ट्यूब्यूल्स हर लोब का जॉइन करता है ताकि वो बनाए मेमोरी डक्ट।
सेवरल मेमोरी डक्ट ज्वाइन टू फॉर्म अ वाइडर मेमोरी एम्प्योला, कई सारे मेमोरी डक्ट फॉर्म हो मतलब साथ में आते हैं, ज्वाइन करते हैं ताकि बना पाए मेमोरी एम्प्योला विच इज़ कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस डक्ट। डायग्राम पे आते हैं तो यहाँ पे दिखाया गया है कि जो डक्ट्स हैं उसकी वजह से एम्प्योला बनता है और एम्प्योला की वजह से लैक्टिफेरस डक्ट बनता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अगर आप पैराग्राफ के साथ इस डायग्राम को देखते हुए पढ़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बेसिकली सीक्वेंस में बताया गया है कि कौन सी चीज़ किस चीज़ में मतलब कनेक्ट होती है और क्या फंक्शन करती है, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट था फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट गैमेटोजेनेसिस पे। गैमेटोजेनेसिस दैट इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, ठीक है। द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन द टेस्टिस इन द मेल एंड द ओवरीज इन द फीमेल प्रोड्यूस गैमेट्स, मतलब कि जो मेल के टेस्टिस होते हैं, जो फीमेल की ओवरीज होती हैं, वो गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, दैट आर स्पर्म्स एंड ओवम, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो टेस्टिस से स्पर्म फॉर्म होते हैं एंड ओवरीज से ओवम फॉर्म होता है, ठीक है, बाय द प्रोसेस कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। इन टेस्टिस द इमेच्योर मेल जर्म सेल दैट इज स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, जो टेस्टिस होते हैं उसमें इमेच्योर मेल जर्म सेल जिसको स्पर्मेटोगोनिया बोला गया है वो स्पर्म प्रोड्यूस करता है, कैसे, बाय स्पर्मेटोजेनेसिस दैट बिगेन एट प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है, स्पर्मेटोगोनिया क्या बनाता है, स्पर्म बनाता है, ठीक है। नाउ द स्पर्मेटोगोनिया दैट इज सिंगुलर को बोला गया है स्पर्मेटोगोनियम प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन एंड इंक्रीज इन नंबर। ये जो स्पर्मेटोगोनिया होता है ना, ये सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल की जो वॉल्स होती है उसके अंदर होता है, ठीक है। क्या करता है ये, धीरे धीरे मल्टीप्लाई करता है, किसके थ्रू, माइटोटिक डिवीजन के थ्रू, और वो नंबर में बढ़ता रहता है एंड इंक्रीज इन नंबर, ठीक है। हर स्पर्मेटोगोनियम क्या होता है, डिप्लॉयड होता है और उसके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। दोबारा से ये वाली लाइन भी इंपॉर्टेंट है कि स्पर्मेटोगोनियम क्या होता है, तो हर स्पर्मेटोगोनियम क्या होता है, डिप्लॉयड होता है 2n और उसके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। जब हैप्लॉयड होता है मोस्टली तो उसने बोला हुआ 23 होते हैं, बट यहाँ पे क्या है, डिप्लॉयड है एंड 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, ठीक है। ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड, सॉरी, सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, कुछ स्पर्मेटोगोनिया को बोला गया है क्या, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स पीरियोडिकली अंडरगो मियोसिस, जो कुछ कुछ टाइम में मियोसिस में मतलब जाते हैं। अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन दैट इज रिडक्शन डिवीजन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ टू इक्वल हैप्लॉयड सेल्स कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। दोबारा देखते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है, वो क्या करता है, उसकी वजह से दो इक्वल हैप्लॉयड सेल फॉर्म होते हैं। तो अगर हम एक स्पर्मेटोसाइट को देख के चल रहे हैं तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, 2n है, तो उसकी वजह से 2 हैप्लॉयड सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी सॉरी ये गंदा हो गया, 2 यानी डिप्लॉयड से क्या हो रहे हैं, हैप्लॉयड सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं 2। तो यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि एक एक 2n से 2n बन गए, ठीक है, और इनको बोला गया है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो था वो डिप्लॉयड था, नाउ अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गए हैं जो हैप्लॉयड हैं और जिनके पास 23 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो किस में जाता है, अंडरगो द सेकेंड मियोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 4 इक्वल हैप्लॉयड स्पर्मेटिड्स। जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है उसमें क्या होता है, सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन होता है ताकि वो 4 इक्वल हैप्लॉयड स्पर्मेटिड प्रोड्यूस कर पाए। तो प्राइमरी से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से दोबारा क्या बन गए, स्पर्मेटिड्स बन गए, 4 इक्वल हैप्लॉयड स्पर्मेटिड्स, ठीक है। उसके बाद है द स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोजोआ। उसके बाद ये स्पर्मेटिड्स है ना, ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं किसमें, स्पर्मेटोजोआ में, जिसको बोला गया है स्पर्म्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। देखो दो चीज़ें हैं याद रखने की, स्पर्मेटोजेनेसिस इज डिफरेंट देन स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है कि ठीक है ओवरऑल प्रोसेस को बोला है स्पर्मेटोजेनेसिस, लेकिन स्पर्मियोजेनेसिस जस्ट बेसिकली जब आपके स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफॉर्म होते हैं उसको बोला गया है, ठीक है। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हैज बिकम एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल। जैसे ही स्पर्मियोजेनेसिस हो जाता है, स्पर्म्स फॉर्मेशन हो जाता है, उसके बाद जो स्पर्म के हेड हैं वो एम्बेडेड हो जाते हैं किसमें, सर्टोली सेल में। सर्टोली सेल हमने पेज 1 पे पढ़ा था, क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, एंड देन आर फाइनली रिलीज्ड फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन।
तो ये एक अलग प्रोसेस है, ये एक अलग प्रोसेस है, और ऊपर जो हमने पढ़ा स्पर्मेटोजेनेसिस वो अलग प्रोसेस है। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्पर्मियोजेनेसिस के बाद जो स्पर्म थे वो स्पर्म्स के हेड सर्टोली सेल में एम्बेडेड हो चुके हैं, और अब फाइनली जब वो रिलीज होंगे तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे स्पर्मिएशन। इन तीनों में आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ये तीनों काफ़ी अलग चीज़ें हैं, तो इसलिए इसको अकॉर्डिंगली पढ़ना है। नाउ स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो प्यूबर्टी पे स्टार्ट हो जाता है। क्यों प्यूबर्टी पे क्यों स्टार्ट होता है, क्योंकि तब इंक्रीज होता है किसका, सिक्रीशन हार्मोन का, दैट इज गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। दिस इफ़ यू रिकॉल अ हाइपोथैलेमिक हार्मोन, ये हमने 11th चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी में। इस चैप्टर में जो था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ही केमिकल से रिलेटेड था पूरा वो हार्मोन्स वगैरह से। दिस इफ़ यू रिकॉल अ हाइपोथैलेमिक हार्मोन द इंक्रीज लेवल ऑफ GnRH देन एक्ट एट द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिम्युलेट सिक्रीशन ऑफ टू गोनेडोट्रोफिन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स एंड फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। अब उसने क्या बोला कि ये जो आपका GnRH है ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, ठीक है। जब GnRH का लेवल बढ़ता है तो वो एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे और सिक्रीट करता है, स्टिम्युलेट करता है दो गोनेडोट्रोफिन्स को, जो बोला गया है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। LH जो है ये दो बाद में रिलीज होते हैं, इनकी डेफिनेशन भी आपको, मतलब इनकी फुल फॉर्म भी पढ़नी है। LH है वो लेडिग सेल पे काम करता है, स्टिम्युलेट करता है, सिक्रेशन करता है एंड्रोजन का, ठीक है। एंड्रोजन इन टर्न स्टिम्युलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ये थोड़ा सा समझने में ईजी है, पर अगर ध्यान से पढ़ें तो, मतलब उसने क्या बोला, प्यूबर्टी के टाइम पे इंक्रीज होता है गोनेडोट्रोफिन का, ठीक है, GnRH का। जब GnRH बढ़ता है तो वो एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे, जिसकी वजह से दो गोनेडोट्रोफिन रिलीज होते हैं, एक है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दूसरा है फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। अब ये जो LH है ये जाके एक्ट करता है किस पे, लेडिग सेल पे, जो फाइनली क्या करता है, एंड्रोजन को रिलीज करता है, सिक्रीट करता है, और एंड्रोजन इस सब के बदले स्टिम्युलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस, ठीक है। FSH act on the Sertoli cell and stimulate, जो FSH है follicle stimulating hormone है वो Sertoli cell पे work करता है और stimulate करता है secretion of some factor which help in the process of spermiogenesis। कुछ ऐसे factors के secrete करने में जो finally help करते हैं spermiogenesis में। ये spermiogenesis है, spermatogenesis नहीं है। मैं ये चीज़ बार बार इसलिए focus कर रही हूँ क्योंकि कई बार ये, क्योंकि एकदम नाम में सेम है तो बच्चे गलत लिख के आते हैं और फिर प्रॉब्लम हो सकती है, आपके गलत हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम मूव करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पे। लेफ्ट साइड पे दिखाया गया है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, पूछा जा चुका है, तो इसको पढ़ना है अच्छे से। उसके बाद राइट में उसको एक्सप्लेन किया गया है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म को। हम स्टार्ट करते हैं, लेट अस एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पर्म। इट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ अ हेड, नेक, मिडल पीस एंड अ टेल। तो क्या क्या पार्ट है, हेड है, नेक है, मिडल पीस है एंड टेल है। एक सेकेंड में थोड़ा इसको, ठीक है। नाउ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवेलप्स द होल बॉडी ऑफ स्पर्म। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर होती है जो पूरी बॉडी को कवर कर लेती है स्पर्म की, ठीक है। ये जो स्पर्म होता है उसका हेड जो होता है उसमें हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, ठीक है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। द इंटीरियर पोर्शन ऑफ विच इज़ कवर्डेड बाय अ कैप लाइक स्ट्रक्चर एक्रोसोम्स। हेड पे क्या है, एक तो आप हेड कंटेन हैप्लॉइड न्यूक्लियस, हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, दूसरा कैप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको बोला गया है एक्रोसोम, ठीक है। उसके बाद है एक्रोसोम किससे फिल्ड होता है, एंजाइम से फिल्ड होता है जो हेल्प करता है फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम, ओवम। तो वो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है ओवम के, क्या, एक्रोसोम, जो इसके अंदर का फ्लूइड होता है या फिर एंजाइम होता है। द मिडल पीस, जो बीच का पीस है, मिडल पीस दैट पोजेसिस न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया। अब बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया क्यों चाहिए, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ये एनर्जी सोर्स देते हैं स्विमिंग के लिए, क्योंकि स्पर्म मोटाइल होता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करनी होती है, तो यही माइटोकॉन्ड्रिया उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह जाके मूवमेंट करे, मूव करे। और इसकी वजह से क्या होता है, इससे एनर्जी मिलती है और मूवमेंट ऑफ टेल की वजह से फाइनली फर्टिलाइजेशन में हेल्प होती है। The human male ejaculates about 200 to 300 million sperm during a coitus, of which for normal fertility, at least 60% sperm must have normal shape and size and at least 40% of them must show vigorous motility. उसने क्या बोला कि जब क्वाइटस होता है, इंटरकोर्स होता है, तो ह्यूमन मेल इजैकुलेट करते हैं अराउंड
200 से लेके 300 मिलियन स्पर्म्स, ठीक है। और इसने यही बोला है कि नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए 60% स्पर्म्स की शेप नॉर्मल होनी चाहिए या साइज नॉर्मल होना चाहिए, और 40% क्या शो करें, अच्छी मोटिलिटी मतलब मूवमेंट शो करें। ये डायग्राम जो है एग्जैक्ट आप ऐसे ही आपको लर्न करना है, बनाना सीखना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्रोसोम, न्यूक्लियस जिसके अंदर क्रोमोसोम मटेरियल है, नेक, मिडल पीस, माइटोकॉन्ड्रिया फॉर एनर्जी, ये भी बताया गया है, रीजन भी दिया माइटोकॉन्ड्रिया क्यों है, और टेल, ठीक है। तो ये था पूरा स्ट्रक्चर स्पर्म का। नेक्स्ट पैराग्राफ पे मूव करते हैं। स्पर्म्स रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द एसेसरी डक्ट। जो भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म रिलीज होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं एसेसरी डक्ट के थ्रू, ठीक है। सिक्रेशन ऑफ एपिडाइडमिस, वास डिफरेंसेस, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट आर एसेंशियल फॉर मेच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। जो भी सिक्रेशन होते हैं, चाहे वो एपिडाइडमिस के सिक्रेशन हो, वास डिफरेंसेस का, सेमिनल वेसिकल का, ये सब क्या करते हैं, ये स्पर्म की मोटिलिटी मतलब मूवमेंट के लिए और मैच्योरेशन के लिए, उसके बड़े करने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। द सेमिनल प्लाज्मा अलॉन्ग विद द स्पर्म कॉन्स्टिट्यूट द सीमिन। जो ये सेमिनल प्लाज्मा होता है जो हमने पढ़ा था पिछले पेज पे, दैट इज वो, और साथ में जो ये स्पर्म होता है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है सीमिन, ठीक है। द फंक्शन ऑफ मेल एसेसरी डक्ट एंड ग्लैंड आर मेंटेन बाय द टेस्टिकुलर हार्मोन। जो भी फंक्शंस हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के या एसेसरी डक्ट्स के, वो कौन मेंटेन करता है, एंड्रोजन। एंड्रोजन के बारे में हमने पिछले ही पेज पे पढ़ा है कि वो किस तरह से रिलीज होते हैं, किस तरह से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या फॉलिकुलर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन अफेक्ट करता है इसको एंड्रोजन को। नाउ अब हमें पढ़ना है ओजेनेसिस, ठीक है। अभी हमने पढ़ा स्पर्मेटोजेनेसिस, नाउ वी विल स्टडी ओजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड ओजेनेसिस, ठीक है। जो मैच्योर फीमेल गैमेट बनता है उसको बोलते हैं ओजेनेसिस, विच इज मार्केटली डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस। जो डिफरेंट है किससे, स्पर्मेटोजेनेसिस से। ओजेनेसिस इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज व्हेन अ कपल ऑफ मिलियन गैमेट्स मदर सेल आर फॉर्मड विद इन ईच फीटल ओवरी। तो ये कब स्टार्ट हो जाता है, नॉर्मली स्पर्मेटोजेनेसिस काफी लेट स्टार्ट होता है, ओजेनेसिस काफी जल्दी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इट्स इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में स्टार्ट हो जाता है, और कब होता है, जब बहुत सारे मिलियन गैमेट्स या ओगोनिया आर फॉर्मड विद इन, हर ओवरी में मिलियंस ऑफ ओगोनिया दैट इज गैमेट मदर सेल फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। कोई भी ओगोनिया बर्थ के बाद ऐड नहीं होता, जो भी ऐड होना होता है वो पहले ही ऐड हो जाता है। ये अगर आपको, इसका एक वीडियो मैंने इसके डिफरेंसेस पे बनाई है अपने हैंड रिटन नोट से ही, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस पे, तो जिसको अगर वो भी चाहिए हो तो प्लीज़ वो लिंक में देख ले। तो अभी हमने पढ़ा कि ओगोनिया बचपन में ही ऐड हो जाते हैं, बर्थ के बाद कोई ऐड नहीं होते हैं। ये जो सेल हैं ये डिवीजन स्टार्ट करते हैं, और वो प्रोफेज वन, जो मियोटिक डिवीजन की प्रोफेज वन स्टेज होता है उसमें एंटर कर जाते हैं। ये सब 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। और उसके बाद वो टेम्परेली अरेस्ट हो जाते हैं उसी स्टेज में, जिसको बोला गया है प्राइमरी ओसाइट। तो हमने क्या देखा कि ओजेनेसिस में क्या हुआ कि ओगोनिया बचपन में ही, मतलब बहुत ही, जब बच्चा मतलब बर्थ के बाद ऐड नहीं होता, पहले ही वो ऐड हो जाते हैं। उसके बाद वो कुछ टाइम के लिए टेम्प्रेरी अरेस्ट हो जाते हैं, कौन सी स्टेज में, प्रोफेज वन मियोटिक डिवीजन की, जिसको बोला गया है प्राइमरी ओसाइट्स, ठीक है। ईच प्राइमरी ओसाइट्स देन गेट सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ ग्रैन्यूलोसा सेल्स एंड इज कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल। फिर ये जो प्राइमरी ओसाइट्स है ना, ये एक लेयर ग्रैन्यूलोसा सेल की लेयर से सराउंड हो जाते हैं, उसको बोला गया है प्राइमरी फॉलिकल। तो प्राइमरी ओसाइट्स और प्राइमरी फॉलिकल के बीच में डिफरेंस अगर पूछो बताना हो तो क्या होगा कि ये इसके अगर ऊपर ग्रैन्यूलोसा सेल्स की लेयर लग जाएगी तो इसको प्राइमरी फॉलिकल बोलेंगे। अ लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल डीजनरेट ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। अब कई सारे लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकल्स डीजनरेट होते हैं। डीजनरेट मतलब टूटना या खराब होना, कब, बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक के फेज में, ड्यूरिंग देयर फोर एट प्यूबर्टी। इसलिए प्यूबर्टी तक सिर्फ 60,000 टू 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स ही बचते हैं हर ओवरी में, ठीक है। तो इसने क्या बोला, इसलिए प्यूबर्टी के टाइम पे, प्यूबर्टी पे सिर्फ, क्योंकि बहुत सारे थे लेकिन सब डी जनरेट होते होते 60,000 से 80,000 ही बचते हैं। द प्राइमरी फॉलिकल गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर्स ऑफ ग्रैन्यूलोसा सेल्स। ये जो प्राइमरी फॉलिकल है इसके ऊपर और लेयर्स आती हैं ग्रैन्यूलोसा सेल्स की, एंड इसको बोला गया है, और एक न्यू थिका की इसको बोला गया है सेकेंडरी फॉलिकल। दोबारा एक बार समझते हैं, स्टार्ट में ओगोनिया थे, ठीक है,
अब क्या होता है, जब सेल स्टार्ट करता है डिवाइड करना, तो वो एक प्रोफेज वन ऑफ मियोटिक डिवीजन पे टेम्परेली अरेस्ट हो जाता है, जिसको बोला गया है प्राइमरी ओसाइट्स। उसके ऊपर जब सेल की लेयर आती है ग्रैनुलोसा सेल की, तो उसको बोला गया है क्या फॉर्म होता है, प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल पे जब और ग्रैनुलोसा सेल की लेयर आती है, तो सेकेंडरी फॉलिकल फॉर्म होता है। ठीक है, द सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म इनटू अ टर्शरी फॉलिकल विच इज़ कैरेक्टराइज बाय अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल एंट्रम। ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है वो ट्रांसफर हो जाएगा टर्शरी फॉलिकल में, जिसके अंदर क्या होगा, फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, जिसको बोला गया है एंट्रम। थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज इनटू एन इनर थीका इंटरना एंड द आउटर थीका एक्सटर्ना। जो ये थीका लेयर है उसमें क्या होता है, एक इनर थीका इंटरना होती है, एक आउटर थीका एक्सटर्ना होती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन दैट इट इज़ एट दिस स्टेज दैट द प्राइमरी ओसाइट। अच्छा, एक और चीज़ क्या बोली है कि इस स्टेज पे क्या हो रहा है, जब आपका टर्शरी फॉलिकल फॉर्म हो गया है, ये जो प्राइमरी ओसाइट्स है ना, देखो हमने पढ़ा था कि प्राइमरी ओसाइट्स के ऊपर धीरे धीरे ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर आती है, तो प्राइमरी ओसाइट्स तो वैसे ही है ना, उसके ऊपर बस लेयर फॉर्म हो रही है। तो यहाँ पे उसने ये लिखा है कि जो प्राइमरी ओसाइट्स है ना टर्शरी फॉलिकल के अंदर, वो धीरे धीरे अपने साइज में ग्रो करते हैं और वो अपनी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन की स्टेज पूरी करते हैं। हम दोबारा जाते हैं, हमने पढ़ा था कि जो प्राइमरी ओसाइट है वो प्रोफेज वन पे ही रुक जाते हैं। ठीक है, मतलब वो इसके आगे बढ़ते नहीं है, डिवीजन पूरा नहीं करते। लेकिन अब जब वो टर्शरी फॉलिकल के अंदर हैं, तो क्या हो रहा है, वो अपना फर्स्ट मियोटिक डिवीजन पूरा करेंगे। इट इज़ एन अनइक्वल डिवीजन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज हैप्लॉयड सेकेंडरी ओसाइट्स। ये क्या है, एक अनइक्वल डिवीजन होता है जिसकी वजह से लार्ज हैप्लॉयड सेकेंडरी ओसाइट फॉर्म होता है और एक टाइनी फर्स्ट पोलार बॉडी फॉर्म होती है। तो दो चीज़ें फॉर्म हुई, लार्ज हैप्लॉयड सेकेंडरी ओसाइट्स एंड टाइनी फर्स्ट पोलार बॉडी। इस साइड में एक डायग्राम दिखाया हुआ है जिसमें ये चीज़ एक्सप्लेन करी गई है। द सेकेंडरी ओसाइट्स रिटेन बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्मा ऑफ द प्राइमरी ओसाइट्स। ठीक है, जो सेकेंडरी ओसाइट्स है वो क्या करता है, जो रिच साइटोप्लाज्मा न्यूट्रिएंट है वो रिटेन कर लेता है प्राइमरी ओसाइट्स का। ठीक है, डज द फर्स्ट पोलार बॉडी बॉर्न आउट ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन डिवाइड फर्दर और डीजनरेट, एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस। तो इसके बारे में वो ये सर्टेन श्योर नहीं है कि जो पहली पोलार बॉडी फॉर्म होती है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन की, वो फाइनल डिवाइड करती है या डीजनरेट होती है, ये क्या होता है उसके साथ। ठीक है, द टर्शरी फॉलिकल, जो टर्शरी फॉलिकल अभी तक हमने पढ़ा था फॉर्म हुआ था, वो धीरे धीरे चेंज होना शुरू होता है मेच्योर होके, किस में, क्राफियन फॉलिकल में। ठीक है, साइड में डायग्राम दिखाया गया है, डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू ऑफ ओवरी। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा जाता है। ठीक है, ट्वेल्थ के तो जो डायग्राम्स हैं ना वो ऐसे हैं कि सभी मोस्टली इंपॉर्टेंट हैं, और अगर नहीं भी पूछे गए हैं तो कहीं कहीं अगर आप बना देंगे तो वो एक प्लस पॉइंट की तरह वर्क करेगा एग्जाम में। ऐसा कोई एग्जाम तो मतलब कोई डायग्राम तो छोड़ना ही नहीं है, और अगर टाइम बचे पूरा पेपर करने के बाद तो ट्राई करना है कि एक रफ डायग्राम हर किसी का जिसका पॉसिबल है बना पाए आप। ठीक है, नाउ द सेकेंडरी ओसाइट्स फॉर्म अ न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड ज़ोना पेल्यूसिडा सराउंडिंग इट। अब जो सेकेंडरी ओसाइट है वो क्या फॉर्म करता है, एक मेम्ब्रेन फॉर्म करता है जिसको बोला गया है ज़ोना पेल्यूसिडा सराउंडिंग इट। द ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर, जो ग्राफियन फॉलिकल बना था वो रप्चर हो जाएगा, ताकि उसमें से क्या निकले, टू रिलीज द सेकेंडरी ओसाइट, क्या बने, ओवम बने फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस कॉल ओव्यूलेशन। तो फाइनली ग्राफियन फॉलिकल से ओवम रिलीज हो गया बाय द प्रोसेस कॉल ओव्यूलेशन। ठीक है, तो ये सारा डायग्राम में बेसिकली मोटा मोटा समझाया गया है कि एक्चुअली क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो तो एक तरफ दिखाया गया है स्पर्मेटोजेनेसिस, एक तरफ दिखाया गया ओजेनेसिस। यहाँ पे दिखाया गया है कि स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बने, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने, फिर स्पर्मेटिड्स फॉर स्पर्मेटोजोआ। ये डिविजन दे रखे हैं साइड में और ये दिखा रखा है। ठीक है, और नंबर भी दे रखा है कि एक से दो बने, दो से चार बने, फिर वहाँ से वैसे वैसे। ठीक है, 46, और क्रोमोसोम नंबर भी दे रखे हैं 46, 23, 23। साइड में यहाँ पे दिखाया हुआ है कि ओगोनिया था, उसमें माइटोटिक डिफरेंशिएशन हुआ तो प्राइमरी ओसाइट्स बना, फिर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन यहाँ पे हुआ, फिर सेकेंडरी ओसाइट बना, और क्या हुआ, धीरे धीरे आपकी बॉडी सेकेंडरी पोलार बॉडी, फर्स्ट पोलार बॉडी, ये सब प्रोड्यूस हुई है। तो ये इस तरह से दिखाया गया है कि यहाँ से ये, और फाइनली ओवम बन गया और सेकेंडरी पोलार बॉडी रिलीज हो गई। तो ये पूरा पार्ट था स्पर्मेटोजेनेसिस का एंड ओवोजेनेसिस का, और इन ये दोनों आते हैं गैमेटोजेनेसिस के अंदर। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में स्पर्मेटोजेनेसिस डिटेल में पूछ लिया जाता है, कई बार ओवोजेनेसिस पूछ लिया जाता है, स्पर्म का डायग्राम पूछा जा सकता है। तो आपको इस पैराग्राफ को पूरा अच्छे से, इस पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल पे।